तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर इसाक विटमैन ने शॉर्ट हैंड का इन्वेंशन क्यों किया था, लेकिन उससे पहले स्टेनो आर्मी को सब्सक्राइब कर दीजिए। सर इसाक विटमैन अपने 20s में एज ए स्कूल टीचर काम किया करते थे, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी और स्पीड ऑफ राइटिंग भी काफ़ी स्लो थी, जिससे उनको नोट्स लिखने में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि कोई एक ऐसा सिस्टम हो जिससे जल्दी लिखा जा सके। इसीलिए उन्होंने रिसर्च करी और उनको एक बुक मिली सैमुअल टेलर की, जिसमें शॉर्ट हैंड के बारे में सिखाया गया था, लेकिन वो सिस्टम उनको इतना इफेक्टिव नहीं लगा। इसीलिए उन्होंने उसमें इम्प्रूवमेंट करे और इम्प्रूवमेंट करके फोनेटिक सिंबल्स को ऐड किया, जिससे साउंड के बेसिस में शॉर्ट हैंड लिखी जा सके। उस सिस्टम को उन्होंने स्टेनोग्राफिक साउंड हैंड नाम दिया, जिसको उन्होंने 1837 में अपने 24 की एज में लॉन्च किया। वो सिस्टम इतना पॉपुलर हुआ कि उसको आज भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वैसे आपकी कितनी स्पीड है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।